Assalamu alaikum. Student, हमने इससे पहले वीडियो पार्ट वन में हमने सिंपल फॉर्म क्रिएट किया था और इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था। ये हमारे पास डेमो है। जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मैसेज शो करता है डेटाबेस कैन बी कनेक्टेड। तो है हमारे पास वीडियो में हमने कॉल किया था डेटाबेस कनेक्ट होना हुआ है। इस वीडियो में हम इसमें वीडियो पास करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड। जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस में एंटर हो जाएगा सबमिट हो जाए। तो इस चीज के लिए हमें यहाँ इफ कंडीशन को यूज करना होगा। इस हम डायफोर्स यूज करेंगे इसलिए कि हमने डायर फोर्स के जरिए हमें इस फॉर्म में वीडियो को एंटर करना है। जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वीडियो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। तो इस चीज के लिए हम एक डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ डेटाबेस एडमिन प्रोजेक्ट वन में ये जो हमारे पास डेटाबेस का नाम है प्रोजेक्ट वन है तो हम व्यू पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ स्टूडेंट टेबल वन करेंगे। मैंने टेबल का नाम स्टूडेंट टेबल वन कर दिया और हम ग्रुप पर क्लिक करेंगे। तो यह हम यूजर नेम और पासवर्ड वाले पर ऑलरेडी सही हुए तो हमने यूजर नेम और पासवर्ड को सही किया और यह और सेव पर क्लिक करेंगे। तो ये सिंपल काम ये आप लोगों को आया हो लेकिन हमें जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम इस टेबल में वैल्यू यानी पाम की जो वैल्यू है वो हमें डेटाबेस में इंसर्ट करनी है। तो हमने एक यूजर नेम लिया पोस्ट के जरिए हम इसको पास करेंगे यूजर नेम। ये नेम यूजर नेम और डेटाबेस का ये नेम इसकी स्पेलिंग सेम होना चाहिए और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर इसमें मिस्टेक हो तो इससे एरर हो सकता है। हम क्वेरी को यूज करेंगे। क्वेरी की मदद से क्वेरी को पास करना होगा। इंसर्ट इनटू और यह हम टेबल नेम एंटर करेंगे। जो हमने टेबल क्रिएट किया वो हमारे पास स्टूडेंट टेबल वन और इस टेबल में हमें कौन से वीडियो को एंटर करना है यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करना है। वीडियो को फास्ट करेंगे वीडियो हमने जो वीडियो एंटर करना है वो डाला यूजर नेम है डाला यूजर नेम और दूसरा हमारा पास डाला MySQLi MySQLi query जो हमने ये query लिखी लाल स्क्रीन की तो इसको क्लोज करना है डालर कनेक्ट जो कनेक्शन है अगर कनेक्शन स्टेबल हो तो वो हमारे पास वैल्यू इंसर्ट होना चाहिए टेबल में। अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं है तो वैल्यू किसी टेबल में जाएगी। तो
इस चीज के लिए हमें डाटा कनेक्ट करना होगा, ये में कनेक्टिविटी लागू होना चाहिए। MySQL क्वेरी को हम एक वेरिएबल में, इसको हमने एक वेरिएबल में पास किया, एक वेरिएबल को इसको पास किया डाला डेटा। अगर हमारा पास या हम एक कंडीशन पास करेंगे, इफ अगर डाला डेटा ग्रेटर इक्वल, अगर डाला डेटा हमारे पास जीरो से ग्रेटर है, यानी अगर हमने वैल्यू को टेबल में इंसर्ट किया और वो डेटाबेस में गया, तो हमारे पास कौन करना है इको कर देना किस चीज को, डेटा कैन बी इंसर्टेड इनटू डेटा बेस। अगर ये न हो तो एल्स कर देना है, डेटा कैन नॉट इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। तो इस चीज को हम रन करने प्रिंट के लिए, यूजर नेम हमने एंटर किया, पासवर्ड हम लिया उसको एंटर किया, और अगर एक्स चेकबॉक्स पर अगर एक्स चेकबॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पासवर्ड शो हो जाता है। ये जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन है, आप लोगों को आता है। जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसने हमारे पास एक मैसेज प्रिंट किया, आया हमारे को हमारा फाइल जो हमारा मैंने जो कोड लिया है ये सही है यहाँ से। तो हमारे पास मैसेजेस में को डेटाबेस कैन बी कनेक्टेड, डेटा कैन बी इंसर्ट इनटू डेटाबेस। तो इस तो हमारा कोड बिल्कुल सही है और हमारा जो वैल्यू है वो डेटाबेस में एंटर हुआ है। तो हम चेक करें कि आया ये डेटाबेस में एंटर हुआ है या नहीं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। स्टूडेंट टेबल वन इसको हम ओपन कर लें, तो हम चेक करें कि हमारे पास जो मैंने वैल्यू एंटर किया है यूजर नेम मोहम्मद इलियास, और यहाँ हमने पासवर्ड इलियास, तो ये हमारे पास आया है। तो ये है इंसर्टेड क्वेरी का सिंपल वर्क। अगर हम ये हमें आप लोगों को कहा था कि अगर आपने मिस्टेक किया तो आपसे डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, तो मैंने यूजर ने वन कर दिया, चेक कर वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट हो सकता है या नहीं। तो हमने यूजर नेम को सिंपल पासवर्ड को हमने सिंपल दिया और हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसने हमारे पास एरर जनरेट की, और ये एरर हमने इसने ये एरर इसलिए जनरेट किया लाइन 80 में, ये इसलिए जनरेट किया हमने यहाँ एक एरर सिंपल एरर किया, यूजर नेम के स्पेलिंग मिस्टेक किया, तो इसकी वजह से इसने एरर जनरेट किया। अनडिफाइंड यानी की यूजर नेम, की यूजर नेम हमारे पास अनडिफाइंड है, यानी है हमारे पास अनडिफाइंड है। डेटा हमारे पास डेटाबेस में इंसर्ट इनटू डेटाबेस, ये डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो सकता है लेकिन यूजर नेम इंसर्ट नहीं हो सकता, इसलिए कि हम यूजर नेम मैंने गलत फॉरवर्ड किया है। तो आप देख सकते हैं पासवर्ड हमारे पास डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है लेकिन यूजर नेम इंसर्ट नहीं हुआ, वो खाली पड़ा हुआ है। तो इस चीज को हम बाद में ये जो काम है वो हम बाद में करेंगे कि इसको वैलिडेशन लगेंगे पीएचपी में कि खाली हमारे पास खाली इंसर्ट नहीं हुआ, और अगर हम तो ये बात का काम है। लेकिन इस पार्ट में हम एक और करने वाले हैं इंसर्ट, इसको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, ये इंसर्ट वैल्यू को हम डेटाबेस में जो वैल्यू इंसर्ट की वो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो इस चीज को हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।